अब तो तू प्रसन्न है ना? अपने पुत्र को नियंत्रित नहीं कर पाई, इस कारण आज मैं विपत्ति में फंस गई। ये सारा तेरा दोष है विंता। अद्भुत विमाता, अद्भुत। जिस स्त्री ने तेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, तू उसे दोष दे रही है। अब वे रक्षा करना चाहती है तो अपनी स्वामिनी की, अर्थात अपनी बहन की। जैसा व्यवहार तूने अपनी बहन के साथ किया है, ऐसा व्यवहार तो हम असुर भी एक दूसरे के साथ नहीं करते। और फिर भी संसार हमें बुरा कहता है। दिति दीदी के पुत्र हो, इस नाते मेरे लिए भी मेरे पुत्र समानी हो। इसी कारण अब तक तुम्हारी दृष्टता सहती रही, पर यदि तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं वही करूंगी जो एक मां को करना चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगी किसी भी मूल्य पर। बस, बहुत बोल चुके तुम, अब मेरा कथन ध्यान से सुन। यदि तू चाहती है कि मैं तुझ पर और तेरी स्वामिनी पर दया करूं, तो चुपचाप बिना एक भी क्षण गवाए उस करुण को महल से बाहर निकाल। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है किसी आवश्यक कार्य से। अच्छा, तो वो बाहर गया है तो तू बता कहाँ गया है वो तेरा पुत्र? हमें ज्ञात नहीं है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता कहाँ गया है वो? मैं सत्य कह रही हूं। तेरे सत्य का प्रमाण तो समय देगा, और जब तक वो नहीं लौटता मैं उसकी यही प्रतीक्षा करूंगा। करुण के साथ पिछली मुठभेड़ में मुझे ऐसा रहस्य ज्ञात हो गया था जिसके कारण उसके प्राण मेरी मुट्ठी में है। जानना नहीं चाहोगी वो रहस्य क्या है? वो कहीं भी जाए, कितनी भी दूर जाए, किंतु लौटकर अपनी माता के पास अवश्य आता है। सही कहा तुमने, मेरा पुत्र अवश्य ही मेरे पास लौट कर आएगा, पर उससे पहले तुम सबको यहां से लौट जाना चाहिए। यदि उसने तुम्हें मेरे और महारानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए देख लिया तो मैं भी उसके क्रोध से तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। कल्पना करो पुत्र, अपनी विमाता अदिति की रक्षा के लिए यदि वो तुम सबसे अकेले युद्ध कर सकता है, तो अपनी माँ की रक्षा के लिए वो क्या नहीं करेगा? उस रक्षा करने के लिए तो उसे यहाँ आना चाहिए ना, पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जब तक वो लौट कर आएगा तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा। ओम विष्णुवे नमः, 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 ओम विष्णुवे नमः।
ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ये बच कैसे गई? ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। मेरे पुत्र, नाग एक साथ हमारी मां को भयभीत करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए था तुझे। युद्ध का पहला नियम, महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण नहीं करना, और तूने वही नियम तोड़ दिया राहु, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। भले ही ये नाग कितने भी निष्ठुर हो, अपनी मां के लिए निष्ठावान और युद्ध के नियम के प्रति सम्मान भी रखते हैं। तूने इस महल पर आक्रमण करके बहुत बड़ी भूल की है। वैसे तो तुम्हारी असुरी सेना को पराजित करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त था, पर आज मेरे नाग भाई भी मेरे साथ हैं। अब तू अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा राहु? आक्रमण! मेरे दोनों पुत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इनके विष का भय इन असुरों को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मुझे लगा था विशाल सेना देखकर ये सब घबरा जाएंगे और गरुड़ को मुझे सौंप देंगे, पर ये सब तो एक साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं।
दीदी, किसी भी उपाय से हमें इन सबको रोकना होगा। भाइयों का ऐसे एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाना उचित नहीं है। किसी की भी मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसका दोषी तेरा पुत्र होगा। पर इस समय संकट केवल मेरे पुत्र पर नहीं है, आपके पुत्रों पर भी है और दीदी दीदी के पुत्रों पर भी। असुरों से शत्रुता करने में कोई समझदारी नहीं है दीदी। देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध के कारण पहले ही भीषण विध्वंस हो चुका है। एक और युद्ध विनाशकारी सिद्ध होगा। प्रश्न केवल मेरे पुत्र का नहीं है दीदी, आपके पुत्रों के प्राण भी संकट में हैं। यदि उनमें से किसी को कुछ हो गया तो ये समस्या तेरे पुत्र के कारण उत्पन्न हुई है, उसका समाधान भी वो ही करेगा। दीदी क्या कर रही हैं आप? लिया करोड़ दास है हमारा, हम सबकी रक्षा करना इसका धर्म है, पर इसकी रक्षा कर हमारे लिए आवश्यक नहीं। है तो ये हमारा शत्रु, यदि एक शत्रु दूसरे शत्रु को समाप्त कर देता है तो उससे उत्तम हमारे लिए और क्या होगा। वाह तक्षक भैया, क्या कूटनीति है आपकी। रुक जाओ, आप महल के भीतर चाहिए, वहां सुरक्षित। युद्ध करना बंद कर और मेरे संग चल। और कहा प्रश्न पूछने का अधिकार तुझे नहीं है करुण, मेरे साथ चल। ऐसे युद्ध के मध्य अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? तेरी माँ मेरी बहन भी है, उसे कुछ नहीं होगा। मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र उसकी रक्षा करेंगे। तक्षक कालिया, शिशु नंदी भूत नंदी, अपनी भी माता के पास जाओ, उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी आज्ञा ना मानकर तू मेरी नहीं अपने माँ के संस्कारों की भी अवहेलना करेगा। भूल मत, मन से वचन से कर्म से भी तूने मेरे आदेशों का पालन करने का वचन दिया है मुझे। जी महारानी। ये कहां गया? तुम्हारे महाराज बलि को मेरा पुत्र चाहिए था ना? महारानी कद्रु स्वयं उसे उनके पास लेकर जा रही है। अब तुम इन सर्पों को छोड़ दो पुत्र। कहीं
इसमें भी इन सब की कोई चाल तो नहीं, पता करना होगा। इतनी आसानी से नहीं, कभी नहीं। हे परम प्रभु विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। आप मुझे कसके पकड़ लीजिए। गति बढ़ाकर मुझे चकमा देने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं भी राहु हूं, उससे पीछा छुड़ाना असंभव है। कहाँ गया? अभी तो इधर था, उधर कैसे चला गया? ये हुई ना बात, यदि ये युद्ध हमें रुकवाना है तो हमें शीघ्र ही महाबलीपुरम पहुंचना होगा। सूर्य के समान गति है मेरी, फिर भी ये पक्षी आगे निकल गया। उससे भी अधिक वेग से कैसे उड़ सकता है ये? लगता है इसे अपनी मृत्यु की कामना कुछ अधिक ही है, तभी तो स्वयं को मृत्यु के मुख में ले जा रहा है ये। क्योंकि द्वारपाल तारकाक्ष के होते हुए कोई भी बाहरी प्राणी महाबलीपुरम में प्रवेश नहीं कर सकता, पर यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। इस नगर के सौंदर्य से अपने लक्ष्य को मत भटका, सीधे चल राजमहल की ओर। उड़ान भी ऊंची भरता है, गति पर भी नियंत्रण है और भूमि पर भी इतनी कुशलता से उतरता है। इतने बड़े महाराज के महल में कोई सैनिक ना हो, यह तो असंभव है। आप चिंतित मत होइए महारानी, मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।